दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के सचदेवा, आपके मुंह का फिजिशियन। जनरली ये देखा गया है कि काफ़ी पेशेंट हमारे पास छाले की प्रॉब्लम से आते हैं और छाले ठीक भी हो जाते हैं, कईयों के बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उनका प्रश्न ये रहता है कि सर, छाले जल्दी ठीक कैसे हुए? और जब एक बार दवाई लग जाती है तो पेशेंट को हम जो डेंटल ट्रीटमेंट या मुँह का ट्रीटमेंट या मसूरों की सफाई या दांतों की ट्रीटमेंट या कैविटी फिलिंग या जो भी डेंटल प्रॉब्लम है बताते हैं कि आप इसको ठीक करवा लीजिए ताकि आपके छाले की दवाई जो है पर तो छाले की रेकरेंस से बचने के लिए हमने जैसे अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है कि छाले क्योंकि मुंह के अंदर हैं तो इनके कारण भी जो है 90% कारण जो हैं मुंह के अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे कीड़े लगना, दांतों में कीड़े लगना, मुंह के अंदर इन्फेक्शन होना या मुंह में गंदगी होना, मसूड़ों में इन्फेक्शन, ये अपने आप में बहुत बड़ा कारण है छालों का बार बार होने का या छाले ठीक ना होने का या दवाइयाँ। तो जब हम पेशेंट को ये बता देते हैं कि आपके छाले ठीक हो गए हैं लेकिन ये दोबारा आ सकते हैं, इसलिए आप इनकी मुंह की दांतों की सफाई करवाइए, मसूड़ों की सफाई करवाइए, मुंह में इन्फेक्शन मत होने दीजिए और कुछ पेस्टें हैं जो अवॉइड करनी है, कुछ परहेज हैं वो रखने हैं और दांतों में जो भी कैविटीज़ हैं या RCT वाला ट्रीटमेंट है वो कम्प्लीट करवाइए। और यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है, पेशेंट जैसे ही थोड़ा सा ठीक होता है दवाई खाने के बाद, उसको ये लगता है कि डॉक्टर साहब ने दवाई से ठीक किया है, दवाई से ही ठीक या दवाइयाँ मेरी बंद हो जाएंगी या दवाइयाँ मैं कुछ समय खा के बंद कर दूँगा। लेकिन होता क्या है कि पेशेंट हमें इलाज से मना कर देता है कि डॉक्टर साहब मैं सफाई क्यों करवाऊँ या दांतों का इलाज क्यों, तकलीफ नहीं है मुझे, तो कोई ठंडा गर्म नहीं लगता, मुझे कोई दर्द नहीं है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक फैलाना चाहता हूँ कि जितने भी मुँह के छाले हैं उसमें मोर देन 90% बीमारी जो है आपके दांतों में कैविटीज, दांतों में तीखापन या लोकल कारण की वजह से होती है। अगर वो रिमूव करते तो आपके छाले दोबारा से आ जाते हैं। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप ओरल फिजिशियन से या हमारे क्लिनिक से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये मान के चलिए हम जो ट्रीटमेंट करते हैं बिल्कुल पक्का ट्रीटमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं कि छाले दोबारा से नहीं आएँ और छाले ठीक हो जाएँ और दवाइयाँ बंद हो जाएँ। तो इसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट यही रहता है कि आप अपने मुंह में गंदगी मत रखिए। एक सिंपल सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि अगर आपके हाथ पे कोई चोट है या बाहरी कोई जख्म है और उस पर आप मिट्टी लगी हुई है या कोई गंदगी है तो आप उस पर दवाई कैसे लगाएंगे, या अगर दवाई लगाएंगे तो वो दवाई काम नहीं करेगी, करेगी तो वो बहुत कम काम करेगी और आपको दवाइयाँ बहुत खानी पड़ेगी। अगर इसका उल्टा, अगर हम उस जख्म को अच्छे से क्लीन अप करवा के उस पर अच्छे से बैंडेज बंधवा के और साथ में दवाई खाते हैं तो वो जख्म जल्दी ठीक हो जाता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं और जख्म पूरी तरह से ठीक होने के बाद दोबारा नहीं होता। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है आप अपने मुंह के अंदर भी लगाइए कि जब मुंह में इतनी गंदगी पड़ी है, इतना टार्टर पड़ा है, इतना मसूड़ों में इन्फेक्शन है, इतनी सीज हैं, तो आप जो दवाइयाँ लगा रहे हैं वो मुँह में गंदगी में दवाइयाँ लगा रहे हैं उससे जख्म कैसे ठीक होंगे? मुंह के छाले भी तो जख्म ही हैं और वो अगर ठीक भी होंगे तो वो उसके अंदर जो टार्टर के अंदर बैक्टीरियाज़ हैं, मसूड़ों में इन्फेक्शन है, वो उसको दोबारा कर देंगे। तो ये जो बैक्टीरियाज़ हैं बार बार इन्फेक्शन करते रहेंगे, बार बार आपके मुँह में छाले होते रहेंगे। तो अगर हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप ट्रीटमेंट करवाइए तो वो आपके भले के लिए है ताकि सफाई जो साफ जगह पर दवाई लगे और दवाई असर करे और कम से कम दवाई खानी पड़े और जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ये ट्रीटमेंट इस तरह करवाते हैं तो आपके छाले जो हैं परमानेंट ठीक हो सकते हैं। तो आप इस पर ध्यान, कोई भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।